शदाब अचानक से फ्यूज हो गया आखिरी डाइंग स्टेजेस ऑफ दिस टूर शदाब अचानक से फ्यूज हो गया क्यों क्योंकि परहैप्स इट इज के सरफराज ही था जो शदाब को विद इन द कन्फाइंस ऑफ हिज प्रोडक्टिविटी रखता था कि उसको पता कि यार शदाब कहां से नहीं बाहर नहीं करनी मैंने ट्वीट भी किया था ये yes. ये चीजें काम करती है जाहिर सी बात है उसने खेला नहीं है शदाब दो तीन फर्स्ट क्लास मैच खेला और फिर इंटरनेशनल ही खेल रहा है सबसे खेल रहा है पीछे से सरफराज ही उसको डायरेक्शन दे रहा है कि इधर करनी है ये करनी है 2016 के PSL से अनाउंसमेंट हुई थी ना शदाब की और यस बस सिलसिला यही है कि इट्स ऑल गुड एज फार एज पाकिस्तानी टीम इज विनिंग और उसके लिए हमारे यही पर्सनल है लेकिन यू जस्ट हैव टू गेट योर सिलेक्शन राइट और बाबर आजम की बात करनी जरूरी है मतलब मेरा तो भाई मतलब मैं सोचता हूँ यार कौन लोग होंगे वो जो इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं क्या इनिंग खेली है उसने यार बंदे ने मतलब मैंने इतनी प्यारी इनिंग शायद सईद अनवरी ने खेली हो इतनी टाइमिंग और ऐसे प्यारे शॉट वन वर्ड डिसमिसिव डिसमिस कर दिया दूसरों के बॉलिंग अटैक को ना कि मतलब डाला ठीक ठाक तेज बॉलर उसने तीन चौके उसको मतलब जूनियर हाँ मतलब आप मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया यार मतलब वो उस 90 की इनिंग की वजह से हारने की वजह से ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार इतनी प्यारी बैटिंग उसने की लेकिन अब मैच हार गया यही तो खूबसूरती है T20 के ये साला एक ओवर जीती हुई टीम को 29 रन हो या चाहे वो ये हुसैन दलत ने आखिरी में जो मतलब यार मेरे मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना बाबर आजम को बैटिंग करते देख के और इस टूर पे उसने जो बैटिंग की है ना पहले टेस्ट मैच से आखिरी तक सही है वो 100 नहीं कर सका मुझे खुद भी ये लगता है कि मैं थोड़ा ओवर द बोर्ड जाके तारीफ कर देता हूँ वो आउट हो जाता है उसके मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि क्योंकि मुझे भी ज़ाती तौर पर बहुत दुख होता है जब 90s में बैट्समैन आउट होता है ना क्योंकि वो सैकड़ा इस सैकड़ा ना तो 70 में भी जब खेल रहा होता है तो 100 पक्का लग रहा होता है उसका लेकिन एक बॉल पर ऐसी हो जाती है T20s में 2 90s है उसके टेस्ट में भी दो 90s है ना तो 4-5 और वनडे में भी एक आध है शायद तो हाँ तो वहीद ने मुझे एक बात की थी वहीद जवान ने आप जानते हैं इसको वहीद जवान को बोलो कि देखो पूरा ट्विटर कहता है कि तुम अजय देवगन हो और सबने तुम्हारी फोटोग्राफ देखी है तो मुझे क्यों नहीं फोटोग्राफ दिखाते तुम अपनी मतलब मैंने क्या करना है तुम क्या तुम वो दिलवाले का शूट करने के शंकर बिहारी के साथ बगीचे में गाना गाएंगे तो वहीद ने एक बात की वहीद ने मुझे बताया यार जब तक फ्रंट लाइन बॉलर्स होते हैं ना जब बॉलर तेज बॉलिंग कर रहा हो अच्छी बॉलिंग कर रहा हो तो बाबर आजम अच्छी बैटिंग कर रहा होता है जहाँ हल्के बॉलर आते हैं ना पहले कोई आ गया है या कोई भी हल्का बॉलर आ जाए बाबर वहाँ आउट हो जाता है क्योंकि बड़ी अच्छी इनसाइट है क्यों मुझे भी अच्छी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इनसाइट अच्छी इस वाले से है कि यार वही बात है ना कि इंटेंसिटी लेवल दिमाग में कम करना होता है कि बॉल किस लेवल पे आ रही है बिकॉज इट्स स्प्लिट सेकंड नैनो सेकंड जब व्हेन पेसी बॉलर इज देयर क्योंकि वंस यू हैव कमिटेड टू द शॉट यू हैव टू गो विद इट पेस मीडियम पेस आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देता है कि लास्ट मोमेंट पे यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ द शॉट एज वेल कि जिस तरह हंसी क्रोनी है काफ़ी प्रॉब्लम देता था सचिन तेंदुलकर टू पुट एन एग्जांपल और ऑफकोर्स बाबर मच लाइक कोहली भी ये कहता होगा ना आई एम नॉट अ फिनिश आर्टिकल एज वेल तो इट्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और बाबर स्टिल ओनली 24 तो मतलब ही कैन ही विल इंप्रूव मैंने सुना ही 28 के बाद ही बैट्समैन 28-30 के बाद ही बैट्समैन बनता है एक अभी एक डाटा रिसर्च के मुताबिक जो कि मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग बात थी कि 27 से 29 की एज कहा जाता है कि इट्स द बेस्ट एज टू बैट जो कि ओल्ड टाइमर्स कहते थे कि यार लेट 20s से लेके ना अर्ली 30s तक 32-33 तक यू आर प्रिस्टीन इफ यू रिमेंबर के 2006 के वो इनॉमस साल के बाद यू मोहम्मद यूसुफ सडनली फ्यूज हो गया हालांकि 4 साल और खेला था लेकिन फ्यूज हो गया जैसे कलीम बोलता है कि मोहम्मद यूसुफ के करियर में तो एक ही साल है वो साल निकाल दो तो उसमें क्या है मतलब वो ही बात है कि अच्छा आपस की बात है यूसुफ की जो टेक्निक थी ना मतलब वो साइड ऑन जो यूसुफ की जो साइड ऑन रिप्लेस होते थे ना वो उससे बेहतरीन पाकिस्तानी मैंने देखा नहीं फ्रेम पाकिस्तानी इतनी खूबसूरत कवर ड्राइव्स ना इतनी सिल्की रोड वाली कवर ड्राइव्स ना एक
इतनी अच्छी इनिंग के बाद जो है ना वो बंदा डिजर्व करता था मैच जीतना, भले कुछ भी हो वो बंदे को, वो बंदा मैच मतलब सिर्फ चौके, उन्होंने पॉइंट पीछे लिया फिर भी उसने 3 चौके मार दिए, फिर वो कवर पर मार रहा था, उन्होंने कवर 7 मिला उसने मिडिल विकेट पर चौका मार दिया, मतलब इतनी प्यारी बैटिंग उस दिन कर रहा था, मेरा तो यार वाकई में वही प्लेयर जो आया, और लोग बोलते हैं कि यार मैच तो जितवाता नहीं है यार, मैच तो खत्म, भाई आप अपनी टीम ग्यारह देखो, आपके 50 साल की हिस्ट्री में 5 बैट्समैन आप गिन लो, दुनिया की सबसे आसान वर्ल्ड 11 बनाना पाकिस्तान की है, क्यों, क्योंकि गिनती कर सकते हो 5 बैट्समैन यही खेलेंगे, exactly. उस पे आप बाबर आजम को बोलते हो यार ये वो बंदा ऐसा है, अगले 4-8 साल में वो बंदा उस लेवल पे आ जाएगा कि आप बोलोगे मियादाद को, बाबर आजम को, इंजी को, इनको मिडिल ऑर्डर में रख लो, बोला वो जिस तरह से रन कर रहा है ना वनडे क्रिकेट में, तो उस ये इंजी सबको पीछे छोड़ ही देगा वो इजीली। इट्स ऑल अबाउट कीप मेंटेनिंग योर फिटनेस एंड गॉड ब्लेस हिम फ्रॉम एनी अनफॉर्चुनेट इंजरी, क्योंकि वो तो गॉड नोज व्हाट। उल्टे सीधे ये जो वही नागानी जो आपने स्टार्ट ऑफ द शो बात की थी कि हर वर्ल्ड कप से पहले एक वो आता है, तो वो उसकी वजूहत कभी आसमानी होती है कभी जमीनी होती है कभी। आई इवन ट्वीटेड टू पीएसएल के आप प्लेटिनियम से ऊपर एक कैटेगरी बनाओ और बाबर आजम को वो वाले पैसे दें ताकि केस को आगे कहीं से पैसे की लालच ही ना हो। यही बात हुई थी ना, हाँ। इतना पैसा दो भाई, इंडिया क्या है वो अपने प्लेयर ऐसे सिक्योर करता है, आईपीएल में इतने पैसे देता है, बोलता किसी और लीग नहीं खेलो, वो हमारी प्रोडक्ट है, तुम्हें अगर देखना है हमारे प्लेयर्स को तो हमारे साथ आके खेलो। और ये देखो ना वहाँ से ये आखिरी बात आ जाती है कि 11-12 साल ऑफ आईपीएल, पूरी दुनिया के कट थ्रोट जो फ्यूचर लेजेंड्स भी बनने वाले हैं वो भी स्क्वाड के अंदर है, तो टेक्निकली यू हैव द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटायर वर्ल्ड विद यू, तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग फैक्टर दैट आपके पास हमेशा से पैसे थे, आपके पास हमेशा से enormous talent pool था, now you have structures and now you have that cricketing intelligence, ठीक है जी, और accordingly आपके cutthroat plans होते हैं, plan A, plan B और plan C, और आप न्यूजीलैंड में देखा, क्योंकि क्यों, I am still backing New Zealand to win the World Cup, वो एक far shot है, लेकिन जिस तरह से disintegrate किया ना इंडिया ने न्यूजीलैंड को, it is frightening, क्यों, क्योंकि 3 मैच जीते उसके बाद जब अब हम अपनी मिडिल ऑर्डर, इंडिया की आधी सीरीज तो उनकी पिछले 1 साल से मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो रही है, मतलब इतना आगे पहुंच गए, स्टिल विनिंग एवरीवेयर, मतलब आप देखो सिर्फ 3 बंदे उनको मैच जितवाए, और यही उनका वो लूप होल है जिस पे दूसरी टीमें फोकस करेंगी कि जिस पे पाकिस्तान ने किया, एग्जैक्टली आमिर को गुस्से में ले आए, आमिर ने 3 ऊपर से उड़ा दी उसके, अंडर बेली, सॉफ्ट अंडर बेली को अटैक करना है, ठीक है, और खैर क्रिकेट तो इस वक्त दुनिया में चारों तरफ हो रही है, और कितने लोगों को इस वक्त पता है कि इस वक्त नंबर 1 वनडे का ऑलराउंडर राशिद खान है, मतलब आप ये देखें ना, क्योंकि ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं लेकिन क्रिकेट इज नेवर ऑफ द टॉपिक, कि राशिद ने बहुत सारे दिल जीतने और इंग्लैंड के अंदर और वो अगेन वही बात है ना कि उसमें रॉ टैलेंट था लेकिन उस टैलेंट को शेप अप आईपीएल ने वैसे ही किया जैसे वेस्ट इंडीज के टैलेंट को 60s 70s 80s में काउंटी ने किया। जाने से पहले सारी बात हो गई, एंड मुझे याद है जेसन होल्डर पे अगर हमने बात नहीं की ना इंसाफी हो जाएगी, उस बंदे ने जो पिछले 1 साल में किया है, मतलब पहले तो आईसीसी वर्ल्ड 11 में भी अब वो आ गया, फिर जो उसने अभी इंग्लैंड सीरीज में किया है, मतलब जो रूट इतने झेपे हुए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो बोल रहे हैं कि बॉलें खेलना ज़रूरी नहीं है, बस रन बना लो, मतलब उसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि भाई जब तक आप रहोगे नहीं विकेट पर रन बनेंगे कैसे, आपने एक बॉल पर 1 4 मार दिया आउट हो गए, आप 8 बॉलें खेल रहे थे क्या पता 2 चौके मार देते, मतलब ये और ये चीज़ उसको जेसन होल्डर ने करके दिखाई, इन्होंने 6 आउट कर दिए 100 कुछ रन पे, उन लोगों ने फिर भी 300 रन 2 बंदों ने मिलके डावरेज और इसने मिलके बना दिए, तो इस जेसन होल्डर के ऊपर आप क्या बात करना चाहेंगे इम्प्रूवमेंट? यार आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल जेसन होल्डर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, एक एक्सक्लूसिव ब्रीड और रिमार्केबल, यस द लैड
faced a lot of abuse and criticism from across the world. और उसने चीखे मार के कह भी दिया है कि this is because of the factors out of my control. अगर कोई contract sign करता है Canada T20 का तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ और again coming back to the point कि more credit goes to Stuart Law. I was really disappointed जब Stuart Law decided to pursue some other cricketing opportunities क्योंकि Stuart Law ने देख लिया कि यार इस वक्त ग्रीनेज हेन्स और रिचर्ड्स तो जाने ही दो ना और लारा तो जाने ही दो वो नहीं आ रहे शेन डाउरेज है इस वक्त शे होप है इस वक्त क्रेग ब्रैथवेट है ये 30-32 की एवरेज वाले हैं लेकिन यार ये भी मानो ना कि पिचेस स्पाइसी कर देते हो तो अब बैटिंग 11 के बीच का गैप कम हो जाता है और ये जो तीन तुमने नाम लिए बैट्समैन के इनसे ज्यादा ग्रिटी प्लेयर भी कोई नहीं है अभी आप मैंने ब्रैथवेट की फर्स्ट टेस्ट की देखी मतलब जितनी एप्लीकेशन उस बंदे ने दिखाई है भले वो 40-50 रन बनाए लेकिन जितना हौसला उसके अंदर है ना उतना बड़े बड़े जो टैलेंटेड क्रिकेटर थे उनमें भी नहीं है उस और इन सब लोगों ने ये सारे जो खेल रहे हैं इन्होंने कुर्बानियां दी हैं होल्डर को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता क्या लाजमी मिल सकता इजीली मिल सकता मुंबई इंडियंस के लिए कि किस पेरोल पर आया कि पेरोल पर आया आराम से मिल सकता है इनमें से किसी को भी किसी भी लीग मेरे ख्याल से 2009 में मुंबई इंडियन की कैंपेन शुरू की थी केमआर रोच ने क्योंकि उस वक्त इसने अनाउंस कर दिया था अपने आप को ना मतलब ये तो आईपीएल खेले लेकिन अब नहीं खेलते अब इनको एक वो हो गया कि नहीं यार हमें वेस्टइंडीज के लिए खेलना है मेरे ख्याल से क्योंकि वो उस अब आप ये देखो ना कि एब्सोल्यूट पेस टी20 में इतनी ज्यादा वैल्यूएबल ना नहीं मानी जाती जितनी टेस्ट में मानी जाती क्यों क्योंकि यार जब ब्रिस्क पेस है तो ब्रिस्क पेस पे एज भी ब्रिस्क निकलेंगे और टॉप एज भी ब्रिस्क होंगे कीपर के लेफ्ट राइट पे कोई सपोर्ट ही नहीं है वो चार हो जाएगा क्राउड तालियां बजाएगा और चीयर लीडर्स नाचेंगी एक वो शॉट जो कि टेक्निकली गलती थी बैट्समैन की द पजामा क्रिकेट वर्सेस द टफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट तो रियल क्रिकेट तो नहीं कहेंगे वाइट क्रिकेट इज एज रियल एज लेकिन द टफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट क्योंकि 450 ओवर में ना अंदर क्या क्या है सब खुल के सामने आ जाता है जैसे आपने यही देखो ना जो फर्स्ट टेस्ट मैच ये जिसपे डबल सेंचुरी होल्डर ने रखी है वो टेस्ट मैच इंग्लैंड के हक में था ये अगर 300 की पार्टनरशिप नहीं लगाते तो वो टेस्ट मैच इंग्लैंड 100-120 पे 6 आउट हो गए थे 5 आउट हो गए थे अक्रॉस द वर्ल्ड यार ये एक जो मेरा एक डीप डाउन फियर भी है कि नॉट मच केयर इज देयर एनी मोर फॉर टेस्ट क्रिकेट फॉर मैनी लीडिंग प्लेयर्स जो के अभी अपने 20s में है ठीक है जी और उसी वजह से कलेक्टिवली टेस्ट क्रिकेट इज सफरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया इज अ डिफरेंट स्टोरी व्हाई बिकॉज हमारे प्लेयर T20 भी खेलेंगे तो सिर्फ हमारे मुल्क में खेलेंगे बाकी 10 महीने वो कॉम को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और फर्स्ट क्लास रांची खेलेंगे और वहां पर भी उनके मल्टी वेरियस जो टूर्नामेंट्स हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक सीजन में इजीली जो है ना वो एक करोड़ अगर एक सीजन इजीली बनाते हैं दिलीप ट्रॉफी है तो विजय हजारे ट्रॉफी है फिर रांची ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है एंड देयर आर रीजनल मतलब नॉन फर्स्ट क्लास लेवल पे जो है ना क्लब लेवल पे मैचेस हैं तो इनॉर्मस टैलेंट पूल ना इनॉर्मस टैलेंट पूल और वहीं पर बात आ जाती है कि दे विल फॉर एवर रिमेन कंपेरेटिव इन टेस्ट क्रिकेट इसका एक आर्टिकल अभी उस पर आया था ये जो बड़े एक फेमस जेराड किम्बर द फैंटास्टिक डूड ना फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और उसकी भी बड़ी एक मज़ेदार कहानी है ज़िंदगी की और के उसको डेमियन मार्टिन ने बड़ा एक ना स्निगरिंग अंदाज में उससे पूछा था कि हाउ मेनी क्रिकेट जो कि एट एनी लेवल मैंने भी या हाजा बोगले या एनी हर वो बंदा जिसने ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेली या वो क्रिकेट एनालिस्ट है उसने फेस किया है तो उसने यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के इनॉर्मस टैलेंट पूल का कैसे मुकाबला कर सकता है कि दे पिक प्लेयर ऑन पोटेंशियल रादर देन के वो अपने हार्ड यार्ड्स लगाए रांची के अंदर या हार्ड यार्ड्स लगाए 5-7-8 हज़ार जिस तरह माइक हसी वंस इन अ जनरेशन यार माइक हसी ने कितनी काउंटी चैंपियनशिप जितवा दी इंग्लैंड में फिर जाके यहाँ डेब्यू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में सेम विद एडम गिलक्रिस्ट एन हेली को घर दिखाया कि घर जाओ बस अब जा और एन हेली ने भी फिर सेंचुरी कर दी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 96-97 में तो नाइन मोंगिया वही बात है मैं अभी देख रहा था दुबई में जो मैं अभी शारजा में जो हमारे खिलाफ 4-5 आउट किए थे होल्डर ने
2016 का टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज थी वो, जो हम 2-0 जीत चुके थे थर्ड मैच जो वेस्ट इंडीज से हारे हम लोग, उससे पहले उस इनिंग से पहले होल्डर की जो मतलब उस टेस्ट से पहले होल्डर की जो बॉलिंग एवरेज थी वो थी 48। उसके बाद से अब तक जो होल्डर की एवरेज है बॉलिंग एवरेज जो है वो अब 21 पे 20 पे आ गई है। मैं वही बात अभी इससे पहले मैं कर रहा था ना कि यू प्रोग्रेसिवली फॉलो द रिकॉर्ड्स के पहले 18 टेस्ट मैचेस में 29-28 विकेटें, क्यों? क्योंकि हमेशा से ये लगता था कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं रहा वेस्ट इंडीज के पास, तो एक लिमिटेड ओवर प्लेयर को जस्ट बिकॉज ही कैन कंट्रोल द प्लेयर्स उसको आपने कैप्टन बना दिया। लेकिन अगेन वही ना, होल्डर लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड ऑन द जॉब। हाँ, कर करके सीखा, सही बात है। और उसके साथ जो प्लेयर है, होप का आपने नाम लिया, डावरेज का नाम लिया, ब्रैथवेट का नाम लिया, तो ब्रावो भी आ गया, और हेटमायर, हमने हेटमायर को भूल रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा गोल्डन बॉय है हेटमायर, और आईपीएल में कितनी उसके लिए कितनी फाइट हुई है ड्राफ्ट में, ऑक्शन में एग्जैक्टली, बैंगलोर में लिए काफी बड़ी बेट पे। वही बात है ना कि मतलब अब ये है कि वो आईपीएल में जाके करप्ट ना हो जाए, इनकी टेस्ट में छोड़ के। एक बात ये कि तुम्हें क्या लगता है, पूरा आईपीएल खिलाएंगे बुमराह को या कोहली को? यार मुझे लगता ही है कि कोहली की अपनी मर्जी है, वो खेले ना खेले, लेकिन बुमराह पूरा खेलेगा, क्योंकि वो अभी रेस्ट ही इसलिए कर रहा है कि उसको पूरा इतना 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 प्रेशियस है ना इस वक्त। हाँ, वो 1.34 बिलियन, बल्कि एक अभी एक बड़ी डिटेल्ड रिसर्च हुई है क्रिकेट की फैन बेस पे, 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा फैन है क्रिकेट के ना, उनमें से 90 लाख इंडियन है। तो वो बिल्कुल सामने कर दिया कि 90% फैन बेस जो है वो इंडिया से आती है, और बाकी 10% में से भी 5% तो शायद पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया या ज़्यादा परसेंटेज हो गया। तो खैर, और इस वक्त क्रिकेट में औरतों की पार्टिसिपेशन कंपेयर टू मैन ज़्यादा है ओवर द ईयर्स, पाँच कुछ 2-3 सालों के हवाले से बात की जाए। खैर, हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। तो क्रिकेट तो वाइट बॉल ही है, रेड बॉल हमारी जिंदगी तक सर्वाइव कर जाए। हाँ, अच्छे कंपेरेटिव लेवल पे, लेकिन हमारे लिए, हम जो 90s में क्रिकेट देख के, हमारे लिए अभी भी जो चार्म जो थ्रिल है वो टेस्ट ही है। ऑफ कोर्स, और टेस्ट जब तक है हम लोग टेस्ट मैच ही रहेगा, क्योंकि सही है वक्ती तौर पे खुशी होती है जो भी होता है, लेकिन मजा जो है ना वो टेस्ट ही क्रिकेट का है। हर टेस्ट मैच रेलेवेंट है इन वन डे, इन माय ओपिनियन। ठीक है, बायलैटरल खुशी देता है, अच्छी टीम के अगेंस्ट आप एक वन डे जीतते हो अक्रॉस द बोर्ड खबरों पे, और एक खुशी की फिजा आपको नजर आती है, लेकिन द मेन थिंग इज आईसीसी के इवेंट्स, 50 ओवर और 20 ओवर, क्यों? वो सिल्वर वेयर फिर रहता है अगले 2-4 साल के लिए, के आप चुप कराने के लिए वो दिखा देते हैं हिस्ट्री आपके ऑफिस। अब ये देखना यार, 43 साल बाद भी पहले वर्ल्ड कप की बातें आती हैं, उनमें से कितने ही लोग अब हयात भी नहीं होंगे। कितने लोगों को पता है कि ईस्ट अफ्रीका की एक टीम थी जो कि उस वक्त युगांडा और कीनिया और अफ्रीका के कुछ मतलब वो, और वो स्कूल टीचर थे सारे, और 3 मैचेस जिन्होंने खेले, क्योंकि दे हैड टू मेक अप द नंबर्स पहले वर्ल्ड कप के लिए। तो वो पहला वर्ल्ड कप तो वो एक हम्बलर टाइम्स थे, 11 दिनों में ख़त्म हो गया था। हाँ। चलो फिर इसी पे ये डिस्कशन ओवर करते हैं। अब पीएसएल के दौरान तो बहुत रेगुलर है, बहुत ज़्यादा शो फास्ट पेस रहता है। हाँ, तो मुश्किल होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो वनडे सीरीज होनी है पीएसएल के बाद, उससे पहले एक शो करेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो फिर हम लोग वो भी कवर कर ले। और पीएसएल में भी जैसे तुमने कहा कि ये भी 1 महीने में पता लग जाएगा कि यार कौन से 15 जो अभी हैं वही जाएंगे या कोई एक प्लेयर निकल के आ गया, और उनका फॉर्म चेक क्या है, उनकी फॉर्म चेक क्या है, एक प्लेयर निकल के आ गया कि यार ये प्लेयर अच्छा आ गया इसको, बिल्कुल आखिरी लम्हों पे जिस तरह इंजमाम लास्ट मोमेंट सॉर्ट ऑफ इंक्लूजन थी 1992 के वर्ल्ड कप में, बहुत से ऐसे प्लेयर ने एक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर दिया, तो जगह बनी राइट टाइम पे ये बड़ा राइट टाइम है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप है तो जाहिर सी बात है सारा फोकस अब वाइट बॉल पे ही होगा। जैसे हमने बात भी की, सितंबर तक कोई टेस्ट क्रिकेट तो है नहीं, तो ये एक तरह से मिकी और अजहर और सरफराज के लिए फ्री रन है, क्योंकि इनका जो मेन क्रिटिसिज्म, मेन जो मुद्दा है वो टेस्ट ही है। टेस्ट में 2 साल से कुछ कर ही नहीं पा रहे, वनडे में तो फिर आपको नजर आ रही है इंप्रूवमेंट। यस यस, सही है, आप हार रहे हो लेकिन आप कम्पीट कर रहे हो। न्यूजीलैंड में भी आप हारे, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप कुछ नहीं कर पाए, आप
ऊपर नीचे हो तो yes, फिर yes. ये इस हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह टेस्ट सीरीज वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का इट वाज गुड फन ऑलवेज अ प्लेजर और इंशाल्लाह आगे बात होगी शो करेंगे इंशाल्लाह ताला शो करेंगे बाद में अच्छा अल्लाह हाफिज़